के लगातार जिस प्रकार से लगातार हमारा परिवार बढ़ रहा है और जैसे मैंने पहले भी कहा है, हम सबके लिए वर्तमान के राजनीतिक दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए खास करके जिस ढंग से वो 24 घंटे काम करते हैं और भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, ऐसे में हमारे परिवार में स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जिनकी रुचि है और जो भारत की सेवा करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, अपनी परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद ये मानव काया मिलती है, ऐसे में इस काया का सदुपयोग अपने स्वविवेक से हमारे लिए हेलो माइक भी गड़बड़ कर रहा है, परमात्मा की दया है, हम सबके लिए एक मौका है। 21 शताब्दी भारत की होगी और ऐसे अभियान में भारत के साथ भाजपा की राजनीति को छोड़कर के राजनीति नहीं हो सकती है। और धीरे धीरे करके जो नकारात्मक राजनीति रही है और खास करके परिवारवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर के सच्चे अर्थों में जनतंत्र की स्थापना के लिए कोई पार्टी काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और उसी का परिणाम हमको दिख रहा है। हमारे इस दल के अंदर प्रधानमंत्री से लेकर नड्डा जी तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष लगा करके मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता तक, ये सब अपने आप में हाथ कंगन को आर सीखे, पढ़े लिखे को फारसी के अपनी आंखों से प्रमाण दिखाई दे रहे हैं कि राजनीति में सबके लिए अवसर की बात लोकतंत्र में कही गई थी संविधान लागू करने के समय, लेकिन दुर्भाग्य के बात कहें कि संविधान की बातों के आधार पर लोग बात करने की कहते कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन संविधान को एक तरफ रख के परिवार को लागू करने की जो उन्होंने पद्धति लगाई है, ये वास्तव में अगर मोदी जी और भाजपा नहीं हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन से दौर में भारत पहुंच गया, कौन सी पार्टी छोड़ रहे हैं जिसके अंदर वो अपने परिवार के भतीजे, भतीजी, बेटे, अपने परिवार के अलावा कोई दिख नहीं रहा है। ऐसे में हमारे परिवार में शामिल होकर के ये जो अनुकूल समय आया है, मैं इस मंच पर मौजूद माननीय हमारे पूरे अभियान के प्रभारी श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सुरेश पचौरी जी, दो प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, हमारे सुयोग्य मंत्री माननीय गोविंद राजपूत जी, पूरा मंच और आप सब, इस अवसर पर हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी भी बैठे हैं, हम सब मिलकर के ये आज का परिवार में हमारा परिवार विस्तार का कार्यक्रम बांध सकते हैं। और मैं अपने इस कार्यक्रम में आज पूर्व विधायक श्रीमान हरिवल्लभ शुक्ला जी का अभिनंदन करता हूं, अपने परिवार में स्वागत करने के साथ भविष्य में वो हमारे से जुड़ करके अपनी इस प्रदेश की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए जो वो सुझाव देंगे, काम करेंगे या हम पार्टी उचित समझेगी। हमारे यहां तो एक पद्धति है कि पार्टी बिना बुलाए आपके सबको ऑब्जर्व करती रहती है और वो काम करने का मौका देती है। तो आपका स्वागत है महेश गुलवानी जी, महेश जी आपका भी स्वागत है, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। इस अवसर पर कमलेश सिंह रघुवंशी जी, कमल सिंह, कमल जी आपका भी स्वागत है, राहुल रघुवंशी जी आपका भी स्वागत है, अमित दात्रे जी आपका भी अभिनंदन है इस अवसर पर, आलोक शुक्ला जी और राजाराम यादव जी ना, अमर सिंह यादव जी आपका भी स्वागत है, और ये राहुल सिंह तो बोल दिया हमने, हाँ बोल दिया। इस अवसर पर बहुत सारे मित्रगण है जिनके नाम माने हमारे प्रभारी जी ने, असली में ये अधिकार उनको ही है, किसी को भी हमने जिस व्यवस्था को जोड़ते हैं उसका पालन करना ये हमारी पार्टी की परंपरा है। ऐसे में हमारे अपने परिवार बढ़ाने के लिए इस पूरे अभियान की जवाबदारी हमारे यशस्वी नेता श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी को दे रखी है। मैं थोड़ा विलंब से आया, इसकी क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये लगातार ये क्रम जारी है, यहाँ हो, हाउस में हो, हम सब मिलकर के भाजपा के काम में लगे हैं। एक बार मैं आपको ये जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके इस चुनाव के अभियान के दरमियान जिनकी जैसी जवान वो वैसी बात करेंगे, उनकी जवान पे हमको नहीं जाना है। हमारे परिवार में हम खुले मन से आपको जोड़ करके, मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस नाते से आपका स्वागत किया है, हम एक जान होकर काम करेंगे, कोई भी मन में किसी प्रकार के भी सारी बातें आती है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, और आपको समय समय पर अपने जिले में, विधानसभा में, लोकसभा में, अभी तो लोकसभा का मौका चल रहा है, हम सब मिलकर के अपनी अपनी बड़ी भूमिका निभाएं और एक नया इतिहास बन रहा है। पहले चरण के कल के जो रिजल्ट आ रहा है
हमको जो जानकारी है, रिजल्ट तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में जो बूथ पे काम करता है कार्यकर्ता हमारा, और हम सब जानते हैं कि जैसे बूथ वोट पड़ते हैं वैसे वैसे भाव बता देते हैं मतदाताओं के वो किधर जा रहे हैं। तो रुझान चारों तरफ से अनुकूल आ रहे हैं, हर हालत में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है, फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है हमारे प्रदेश की। 29 की 29 सीट हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। छिंदवाड़ा सहित आपने देखा होगा कि हमने सबने देखा है, पहली बार बड़े महाराज अपने घर से निकलते नहीं थे, वो अपने मतदाताओं के बीच हाथ जोड़ करके वोट मांगने निकले। दुनिया के लिए छिंदवाड़ा मॉडल बताते थे और मॉडल उनका कितना खोखला है सबने देखा है। मैं उम्मीद करता हूं आपके अपने साथ में ये विजय का क्रम जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय हितानंद जी का, आभार माननीय बचोल जी का और गोविंद राजपूत जी का आभार। कार्यक्रम समाप्ति की विधिवत समाप्ति की भगवान दास सरदारी जी हमारे विधायक जी भोपाल के आपके बीच में है, जोरदार तालियों से सबसे पहले इनको सबसे बाद में थोड़ा विलंब से आया इसकी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये लगातार ये क्रम जारी है। यहाँ हो, हाउस में हो, हम सब मिलकर के भाजपा के काम में लगे हैं। एक बार मैं आपको ये जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके इस चुनाव के अभियान के दरमियान जिनकी जैसी जवान वो वैसी बात करेंगे, उनकी जवान पे हमको नहीं जाना है। हमारे परिवार में हम खुले मन से आपको जोड़ करके, मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस नाते से आपका स्वागत किया है। हम एक जान होकर काम करेंगे, कोई भी मन में किसी प्रकार के भी सारी बातें आती है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, और आपको समय समय पर अपने जिले में, विधानसभा में, लोकसभा में, अभी तो लोकसभा का मौका चल रहा है, हम सब मिलकर के अपनी अपनी बड़ी भूमिका निभाएं और एक नया इतिहास बन रहा है। पहले चरण के कल के जो रिजल्ट आ रहा है, हमको जो जानकारी है, रिजल्ट तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में जो बूथ पे काम करता है कार्यकर्ता हमारा, और हम सब जानते हैं कि जैसे बूथ वोट पड़ते हैं वैसे वैसे भाव बता देते हैं मतदाताओं के वो किधर जा रहे हैं। तो रुझान चारों तरफ से अनुकूल आ रहे हैं, हर हालत में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है, फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है हमारे प्रदेश की। 29 की 29 सीट हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। छिंदवाड़ा सहित आपने देखा होगा कि हमने सबने देखा है, पहली बार बड़े महाराज अपने घर से निकलते नहीं थे, वो अपने मतदाताओं के बीच हाथ जोड़ करके वोट मांगने निकले। दुनिया के लिए छिंदवाड़ा मॉडल बताते थे और मॉडल उनका कितना खोखला है सबने देखा है। मैं उम्मीद करता हूं आपके अपने साथ में ये विजय का क्रम जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय हितानंद जी का, आभार माननीय बचोल जी का और गोविंद राजपूत जी का आभार। कार्यक्रम समाप्ति की विधिवत समाप्ति की भगवान दास सरदारी जी हमारे विधायक जी भोपाल के आपके बीच में है, जोरदार तालियों से सबसे पहले इनको सबसे बाद में